नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनीता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लाइफस्टाइल विद सिंपलिसिटी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रेसिपी से रिलेटेड है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही चटपटी धनिये की चटनी बनाना। ये बहुत सिंपल है और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों, धनिये की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, जो कि सबसे मेन है। इसको मैंने अच्छे से धो करके बारीक इसको काट लिया है और मैंने इसकी जो है इसकी स्टेम भी साथ में ली है। देखिए इस तरह से, इसको सिर्फ पत्तियां नहीं लेनी है, इसकी स्टेम भी साथ में लेनी है, क्योंकि जो इसकी स्टेम होते हैं ये भी काफ़ी यूजफुल रहती है। फिर उसके बाद मैंने लिया है एक कच्चा आम, जिसको मैंने धो करके मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। दो हरी मिर्चें, एक बड़ा प्याज जिसको मैंने अगेन फिर से मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। दो से तीन चम्मच दही, दही आप दोस्तों चाहें तो आप ले सकते हैं, चाहें तो ना लें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मैंने इसको लिया है। मसालों में मैंने लिया है नमक, हरा धनिया और जीरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कैसे बनाते हैं धनिये की चटनी। धनिये की चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सी ली है। मिक्सी में हम डालेंगे धनिया। हमको इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम इसमें दही लेंगे वो लिक्विड का काम करेगी। धनिया और आम भी डाल देंगे इसमें, कच्चा आम। दोस्तों, मेरा जो जार है थोड़ा छोटा है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल इसका जो जार था वो ख़राब हो चुका है, तो मुझे थोड़ा इंस्टॉलमेंट में इसको पीसना पड़ेगा। अभी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जार है थोड़ा छोटा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, आधे से भी थोड़ा कम चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, मैं आधे चम्मच के हिसाब से नमक ले रही हूँ, थोड़ा सा सूखा पाउडर, हरा धनिया। दोस्तों, हमें इसमें लाल मिर्च नहीं ऐड करनी है, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हमारी धनिये की चटनी जो है दोस्तों बनकर तैयार हो गई है। दही डालने की वजह से इसका जो कलर दोस्तों बहुत ही अच्छा कलर आता है, जैसे होटलों में हम इसको खाते हैं वैसा ही इसका बिल्कुल कलर आया है, लाइट ग्रीन कलर का। और अब हम इसको किसी बाउल में सर्व कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो पकौड़ों के साथ, सब्जी के साथ, पूरी के साथ या चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपने कभी घर पे गोलगप्पे बनाए हों तो गोलगप्पों के साथ भी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको अगर ऐड करेंगे तो ये गोलगप्पे का पानी बन जाएगा। इसमें तब थोड़ी सी हमको चीनी ऐड करनी पड़ेगी चटपटा पानी बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर, कितनी चटपटी धनिये की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसको अपने खाने के साथ ऐड करेंगे तो आपका खाने का जो स्वाद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको धनिये की चटनी कैसी बनी और आपको कैसी लगी।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? थी ना बहुत सिंपल। आप अपने घर में इसको जरूर बनाइएगा और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।